हेलो डियर व्यूअर्स, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए जो इस साल का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, साथ साथ उन प्यारे भाई और बहनों के लिए है जो जी और नेट का एग्जाम देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका जो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया क्या आज यूजीसी का यानी कंपार्टमेंट का भी पीआईएल का रिजल्ट आने वाला है, और इधर नेट वालों का भी क्वेश्चन है कि भैया जो फेक न्यूज चल रही थी एचआरटी को लेकर, जो एचआरटी लाइव सेशन वीडियो को लेकर, उसका क्या हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सारा प्रूफ दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में सारा डिटेल्स के साथ। उससे पहले जो आज के दिन इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आप लोग जानो, फिर मैं वीडियो के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, नेशनल प्रोटेस्ट डे ट्विटर पे होने वाली है, इसमें सब कोई शामिल है, आप लोग देख सकते हो। कंपार्टमेंट भी है मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी भी है, साथ साथ जितने भी नीट और जी वाले हैं, पोस्टपोनमेंट कराने वाले, साथ साथ कैंसिल कराने वाले, इसमें लाखों बच्चे होंगे इसमें। अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो जाइए और रेडी हो जाइएगा, ठीक है ना। रीट्वीट करते रहिएगा, कुछ भी पोस्ट आएगा आप लोगों के लिए, साथ साथ मेरा अकाउंट है ये आपके ऊपर है, फॉलो करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर मैं कुछ पोस्ट करूंगा तो रीट्वीट बस इतना ही करना मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना। अगर एचआरटी मिनिस्टर सर ने अगर हम लोगों का डिसीजन नहीं लिया, जल्द से जल्द एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया, कंपार्टमेंट को कैंसिल नहीं किया, यूजीसी वगैरह को कैंसिल नहीं किया, तो ये जरूर होगा। ये चीज तो आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स खड़े रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखो, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। देखो तो कुछ दिनों बाद गाइस ऐसा ही होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, सब लोग स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, एचआरटी मिनिस्टर को कंधे पे लादकर सब लोग ले जाएंगे। एचआरटी बोल रहे हैं कि बच्चे चाहते हैं एग्जाम, हाँ लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को सारा प्रूफ दिया पिछले वीडियो में, उनका कहना है कि बच्चे चाहते हैं एग्जाम, तो मैं क्या करूं। एक चीज मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, ध्यान से देखिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे ऐसा का एक स्क्रीन रिकॉर्ड, 75,000 से भी ज्यादा है, 75,988 केसेस, मतलब ऑलमोस्ट 76,000 केसेस हमारे कंट्री में आ रही है। अरे ऐसे में सोचो, लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। कहां है एचआरटी मिनिस्टर का क्या दिमाग चला गया है। हम लोग कह रहे हैं एग्जाम कैंसिल और पोस्टपोन, तो उनको क्या सुनाई दे रहा है एग्जाम कंडक्ट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 75,000 to 76,000 केसेस, एग्जाम कब कैंसिल हुआ था याद है, मेन एग्जाम कब कैंसिल हुआ था, और जी और नेट भी पोस्टपोन हुआ था, जब देश में 20,000 से 30,000 केसेस आते थे। आप लोगों को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये इतने सारे नंबर्स हैं, एचआरटी मिनिस्टर को क्या दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच एक इतने महान आदमी कहां से आके, पता नहीं ये क्या लगते हैं एचआरटी मिनिस्टर के, न्यूज पे आके, एबीपी न्यूज पे ये बोल रहे हैं कि बच्चे जो है स्टडी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई से बच रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग जो यूट्यूबर्स वगैरह ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, ये बच्चे नाटक कर रहे हैं, पढ़ाई से बचने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। इसका ऑडियो भी मैं कल आप लोगों को सुनाया था। देखिए, मेरा गुस्सा होना, आपका गुस्सा होना जायज है, तो आप बताइए जो न्यूज रिपोर्टर है ये क्यों गुस्सा हो गई, इनके बात में गलत था। आप लोग देखो, ठीक है ना, ये भी ऑडियो भी सुनो आप लोग ध्यान से, जो इम्तिहान देना ही नहीं, ऑडियो को सुनो आप लोग। देख रहे हो आप लोग इनका क्या कहना है, ये क्या पागल इंसान है जो बोल रहे हैं कि बच्चे एग्जाम से भाग रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्या ही बोलूं मैं इन लोगों को, क्या बोलूं मेरे दोस्तों। इन लोगों को कोरोना नहीं दिख रहा है, इन लोगों को ये दिख रहा है साफ साफ, ये कितना गिनना है, कितने बच्चे रजिस्टर करेंगे उतना पैसा हम लोग गिनेंगे, ठीक है, हम लोग भी देख रहे हैं ना ये लोग कितना कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिगार्डिंग आप लोगों का यूजीसी का डिसीजन आ जा सकता है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। कल बहुत सारे चांसेस हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो कंपार्टमेंट का शक्ति सर का पीआईएल आने का, मतलब इतने सारे चांसेस सुनने को है, पर यूजीसी का आ जाने का 90% चांसेस है। और एक चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ठीक है ना। इधर पंजाब सीएम भी लिख रहे हैं कि पोस्टपोन और नीको देखकर, मेरे पास प्रूफ है मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ प्रूफ लाता हूं पीआईएल, और क्या ही बोलूं मैं, ठीक है ना। इधर कंपार्टमेंट और नीट वालों के लिए भी बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसीजन नहीं ले पा रही है, ठीक है ना। क्यों आखिर डेट बढ़ रहा है, आप लोग खुद लॉजिक लगा लो, क्यों आगे डेट बढ़ा दिया जा रहा है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मैं अच्छे से आपको बताता हूं। शक्ति सर गए थे तो शक्ति सर को उन्होंने कहा था कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट होगी, ये बोल के केस बंद। फिर तुरंत उसी देर में उन लोगों ने क्या बोला कि हम आपको लिबर्टी देते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट आप इसको ये कर लीजिए, सीबीएसई को ये कर लीजिए, उनके ऊपर पीआईएल करिए तो केस जीता जा सकता है। तो यही पे सोच लो, अगर एग्जाम को कंडक्ट कैंसिल अगर कंडक्ट ही कराना था तो ये चांस फिर क्यों दिया, कहीं ना कहीं तो है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कहीं ना कहीं चाहती है कि एग्जाम को जो है कैंसिल और रद्द किया जाए, तो वो लोग भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। कोई डिसीजन कैसे लेगा ये कोरोना काल में, भला कोई डिसीजन कैसे लेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी डेट बढ़ाई जा रही है, डेट बढ़ाई जा रही है। अब इतना केसेस आ रहा है तो अब सुप्रीम कोर्ट लगता है पॉजिटिव ही डिसीजन लेगी, तो देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एकदम रेडी रहना, ठीक है, मैं ट्विटर पे आप लोगों को दिखा दिया हूं, नेशनल प्रोटेस्ट डे, आप लोग रेडी रहना। अब आते हैं फेक न्यूज वाली बात पे, ठीक है ना, बने रहो। फेक न्यूज वाली बात का क्या हुआ, फेक न्यूज मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर, कि बीजेपी का जो वेरीफाइड अकाउंट है उस पे कल ये अपलोड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग फेक भले ही आप लोग बोल सकते हो, री अपलोड किया गया है,
तो वो भी एचआरडी के परमिशन से किया गया है, ठीक है ना। हो सकता है एचआरडी लाइव नहीं थे, पर वो जो वीडियो अपलोड हुआ है वो एचआरडी मिनिस्टर के परमिशन से ही हुआ है। तो अर्थात यही कंक्लूजन निकल के आता है कि एचआरडी मिनिस्टर वही बात फिर से कह रहे हैं कि बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, मैं तो एग्जाम लूंगा, ठीक है। कंक्लूजन हो गया ना, ये देख लो, क्योंकि बीजेपी भी खुद पोस्ट की है इस चीज को कल। तो एचआरडी मिनिस्टर लाइव थे या नहीं थे, पर वो वीडियो ओरिजिनल है, उस चीज को अपलोड किया गया है यही कहकर कि आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, आप लोग क्योंकि आप लोग मांग कर रहे हो, ठीक है। ये चीज गई। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इतने ममता बनर्जी, ठीक है ना, डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, डायरेक्ट कहते हैं ना, डायरेक्ट हम एग्जाम नहीं लेंगे। साथ साथ मनीष सिसोदिया सर भी लड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतने सारे सीएम डीएम कर रहे हैं पीएम को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये जो सीएम लोग डीएम कर रहे हैं पीएम को और पीएम सर क्या करें, आप पे बहुत भरोसा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी रात के वीडियो में 7 से 8 के बीच आप तक पहुंचेगी। तब तक अपना ख्याल रखो, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो।